ये दिल तन्हा 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 ही रहे। मैंने तो ये भी नहीं कहा था कि उसको अगवा करो मिर्हा को, मैं तो कहता था निमरा को अगवा कर। क्या ढूंढ रहे हो? ये मेरे पास है महफूज, दोबारा ढूंढने की हिम्मत मत करो। वो जा रहा था बाहर। गर्मा गर्म चाय। असल मैंने अपने लिए बनाई है। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि जब चाय बनाया करो ना, एक कप नहीं दो कप बनाया करो। अब देखो तुम्हारी चाय की खुशबू जो है मुझे ऑफिस से खींच लेती है। कितनी अच्छी चाय बनाती हूँ। अब क्या हुआ? एक काम करो, ये चाय तुम्हें पियो। क्यों? चाय करो, खुशबू अच्छी है लेकिन टेस्ट इसका सो सो। लेकिन तुम्हें तो मेरे हाथ की चाय ऑफिस से खींच लाती है ना। पियो। नहीं पी लो ना। नहीं पी लो, पी लो, पी लो, पी लो, पी लो। आप तो चाय पियो असल। बाय। क्या हाल है? अच्छा सुनो, एक कप चाय मिलेगी प्लीज? अरे क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो तुम? अरे
अतिल क्या हुआ आपको? क्या हुआ है? तभी तो ठीक है ना आपकी? मैं जंगल में भाग रहा था, रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। तुम बचा लो मुझे। आपने कोई ख्वाब देखा है अतिल? सब ठीक है? नहीं हुआ, मुझे झगड़ा हो गया। आप लेट जाएं, लेट जाएं आप। हाँ लेट जाओ, कुछ नहीं होगा। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं। तुम्हारा खून पी जाऊंगा मैं। मैं जंगल में भाग रहा था, रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। तुम बचा लो मुझे। भाभी खैरियत? क्या खैरियत? पता नहीं इसका मतलब क्या है, मुझे तो कभी समझ ही नहीं आया। बताइए तो सही, हुआ क्या? अतिल सोते में डरने लगे, घबरा के उठ जाते हैं और फिर अजीबोगरीब बातें करते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई खौफ हो उनके अंदर, जैसे कोई उन्हें मार डालेगा। भाभी ड्रामे कर रहा है, इतना डरने वाला होता तो ऐसा होता? ठीक हो जाएगा खुद ही, आप परेशान मत हो। नहीं सुहेल, कोई बात तो है। क्या तो हस्बैंड की डेथ का खौफ है, बहुत डर गए हैं, खौफ ज्यादा रहते हैं, कुछ कहते भी नहीं है, अब कांपने लग जाते हैं। जाहिर है भाभी, एक तो मौत का खौफ, फिर जवान मौत का खौफ, छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्या हुआ? तुम दोनों खड़े हो यहाँ, खैरियत? नहीं वो कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं भाभी? आप बताइए ना जो मुझे बतानी थी, आप बताइए। अच्छा चले मैं बता देता हूँ। अभी बता रही थी सोते में डरने लगे हो, क्या हुआ सर? ठीक कुछ हुआ? नहीं। अच्छा वैसे कत्ल तो अश्वन का हुआ है, तुम्हें किस बात की परेशानी?
तुम बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। तो अश्वन का कातिल पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। मेरी दुआ है कि पकड़ा जाएगा, उसको उसके जुर्म की सजा दिलवाएंगे। वैसे मेरा के जितने वहम हैं, खदशात हैं कि वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, वो भी दूर हो जाएंगे। है ना? हाँ। क्यों? क्या हुआ बिल? तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक कर दूंगा मैं। देखा तुम? मैं भी जाता हूं। बेटा तुम्हारी अम्मी बता रही हैं कि तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, कुछ खाती पीती नहीं हो और बस कमरे में बंद पड़ी रहती है। क्या करूं अब वो बाहर आके? मेरे लिए तो कोई काम ही नहीं बचा, खत्म हो गई मेरी दुनिया। जिंदगी तो नाम ही चलते कहिएगा बेटा, हर दम उठा दो और फिर बोला जिंदगी का पहिया आज तक कौन रोक सका है? मैं भी तो हूं ना बेटा, मैं अश्वंत की माँ हूं, वो सब कुछ रूटीन से कर रही है, करना पड़ता है बेटा, यही जिंदगी। ठीक कह रही है तुम्हारी मम्मी, तकदीर से आज तक कोई नहीं लड़ सका बेटा, अल्लाह ने ऐसा तकदीर में लिख दिया था बेटा। नहीं मानती हूँ इसी तकदीर को, सब कुछ नहीं लिखा था तकदीर में, ये सब कुछ प्री प्लान था, पहले मुझे वाह करना, फिर अस्मन को इतनी बेरहमी और अजियत के साथ कत्ल करना, ये किस्मत का लिखा हो ही नहीं सकता। मेरी अश्वन की तकदीर ये नहीं थी, ये नहीं थी। अल्लाह ना खून को कभी माफ नहीं करता, ऐसा नहीं है, मैं खुद देख रहा हूं इस केस को। मुझे अपनी जान देकर भी ये केस लड़ना पड़ा, ये मैं लड़ूंगा। पुलिस भी अपनी कोशिश कर रही है। हाँ, कोशिश कर रही है वो। एक कातिल तो ढूंढ नहीं सके अभी तक, माँ एक कातिल। पर मेरा वादा है आपसे, अश्वन के कातिल को मैं खुद ढूंढूंगी और देखिएगा आप, मैं ढूंढ के रहूंगी उसे अजीत और बेरहमी के समय, मैं उसे मौत के मुंह तक लेकर जाऊंगी। अम्मी किधर? अम्मी कमरे में है, वो कह रही थी कि मैं ऊपर ही नाश्ता करूंगी। ऑफिस से वापसी पर मैं अम्मी की तरफ चली जाऊंगी, आप मुझे वहीं से पिक कर लीजिएगा शाम को। नहीं, दिल नहीं करता अब वहां जाने की। जब से अश्वन नहीं है वहां पे, मुझे लगता है जैसे जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। बल्कि मैं भी सोच रही थी कि
मेरा से काफी दिन हो गए हैं मिली नहीं, मैं भी मिल रहा हूँ उससे। वैसे केस का क्या बना? काफी टाइम हो गया इन्वेस्टिगेशन को, कोई सिरा मिला? सिरा भी मिल जाएगा, सिरा मिलना इतना मुश्किल नहीं, और गवाहान भी मिल जाएंगे। तो फिर आ रहे हैं ना आप? आएगा बाप। आपको लेने जरूर आएगा ये। पानी हो? तुम लोगों से एक मशवरा करना था मुझे। वो मैंने बताया था ना कि अरसल के भाई और भाभी वापस जा रहे हैं नार्वे, लेकिन उनकी अम्मा चाह रही हैं कि उसके जाने से पहले बेटे के फर्ज से फारिग हो जाए। मुझे बताओ क्या करना है मुझे? हर बार फोन कर रहे हैं वो लोग। सलाम अलैकुम। और कुछ? मेरा बेटा, अच्छा किया बेटा तुम आ गए। बेटा तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं कि निमरा का जहां रिश्ता कर रहे हैं वो लोग बहुत इसरार कर रहे हैं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम सादगी से निकाह कर लें। कैसी बातें कर रही हैं? सादगी से क्यों करना है? आप लोग निमरा का निकाह धूमधाम से कीजिए। बस उनकी तो ख्वाहिश थी कि वो निमरा की शादी पे खूब रौनक लगाए। मुझे कोई एतराज नहीं। नाम बताया फिर भी गलत लड़की उठा के ले। अरे पागल है क्या तू? हैं? सलाम अलैकुम। और सलाम। दिल अच्छा किया तुम आ गए बेटा। हम लोग निमरा की शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बैठ। कैसी हो मेरा? ठीक हूँ, लेकिन सफा हो गई हूँ अंदर से। खुद को जाहिर करने का मौका नहीं मिल रहा। मैं फिर निमरा से बात करती हूँ। ठीक है। आप ही, मेरा तो ख्याल था कि आप और भाभी मिलकर अम्मी अब्बू को समझाएंगे, लेकिन आप दोनों तो उन्हीं के साथ हैं। फिक्र मत करो तुम, मेरा ऐसी नहीं है। और वो लोग जो डेट फिक्स कर रहे हैं, मेरा की इद्दत 3 दिन पहले खत्म हो रही है उससे।
और सालों बाद लोगों का बाहर से आना जाना होता है। हमें ये बात समझनी चाहिए। सबको उन्हीं की मजबूरी नजर आ रही है, रिश्तों की भी तो कोई अहमियत होती है ना। ऑफिस कहने आई थी, जा रही हूँ। एक बात पूछनी थी तुमसे। अदील एक घड़ी पहनता था, काफी दिन से मैंने उसके हाथ में वो घड़ी नहीं देखी। घड़ी? मैंने नोट नहीं किया, तुम क्यों पूछ रही? ऐसे ही मैं देखना चाहती थी वो घड़ी। तुम मुझे दिखा सकती हो एक बार बस? मेरा, क्या तुम अभी तक उसी बात पे अटकी हुई हो कि वो आवाज अदील की थी? गलत हो सकती हूँ मैं तुम, बल्कि एक बार सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए मुझे वो घड़ी ला के दिखा देना। जब भी अगली बार आओ लेकर आना। अपना ख्याल रखना। ये अजीब बात कह दी तुमने। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि निमरा की शादी हो रही है, लेकिन ये इतनी जल्दी शादी कर क्यों रहे? मेरा मतलब है मेरा इद्दत में है ना? नहीं, इद्दत मेरा ख्याल खत्म हो जाएगी उस। और अच्छा रिश्ता है, आपको पता है अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। हाँ बेटा, मुझसे ज्यादा ये बात कौन समझ सकता है। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि वो जो अगवा करने वाले आए थे ना, वो असल में तो निमरा को करने आए थे, गलती से मिर्हा को ले गए। इसके बावजूद देख लो कि निमरा की कितनी अच्छी जगह पे शादी हो रही है। और एक मेरी मारिया बेचारी बेबुनियाद इल्जाम की वजह से अभी तक घर में बैठी हुई है। सीन है ना। खैर, सुबह मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। कितने लोग बुला लिए? 10-15 लोग हैं, और हम घर वाले। अबू ने किसी को नहीं बुलाया। बाल कितने टूट रहे हैं आजकल तुम्हें?
आप सुहेल से कह दें अम्मी को भी ले आएगा वो। अधीली घड़ी पहनता है, काफी दिन से मैंने उसके हाथ में वो घड़ी नहीं देखी। अदील, हाँ? आपकी वॉच कहाँ है? है क्या कहाँ है क्या वॉच क्या? वो ही घड़ी जिसपे आपका नाम लिखा था। कितने दिनों से पहनी नहीं, कहाँ है? पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ है। चले, देर हो रही है, शादी पे जाना है, मेरे रिस्ट वॉच की फिक्र है। चलो चलो आप। एक तो अदील अपनी मर्जी से ही जवाब देते हैं, भला दिखा देते ताकि कंफ्यूजन दूर। चलो तुबा आ जाओ। जी उदास क्यों हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। उदास नहीं हो रही हूं आप, मैं सोच रही हूं कि काश मैं उस दिन घर में ही तैयार हो जाती, अच्छी खासी तो लग रही हूं, काश हम उस दिन उस पार्लर ना जाते और हमारा इकलौता भाई हमसे ना चिंता। और मेरा अभी तक बैठी हो, तैयार क्यों नहीं हुई? चलो उठो जाके तैयार हो जाओ। किसके लिए तैयार हो? अपने लिए। ऐसे रोते नहीं है, जानती हो तुम्हारे आंसुओं से असमन को कितनी तकलीफ होती होगी। है अपनी बेबसी पे रो रही हूं, इन्हीं इन्हीं हाथों में, मेरे हाथों में असमन ने अपनी आखिरी सांस ली थी। कसम खाई थी उस दिन कि उसके कातिल को उसी अजियत के साथ मारूंगी, पर देखो ना, मारना तो दूर की बात, मैं तो उसको ढूंढ भी नहीं पाई। तू बा अभी तक कसम का कातिल जमीन पर दंदनाता फैल रहा है। मैंने तुम्हें काम कहा था। कौन सा काम? अदील की घड़ी, ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बाहर जाके देखती हूँ, मुझे लगता है शायद वो लोग आ गए। और चलो ऊंचा जल्दी से तैयार हो जा।
ऐसे क्या देख रही है? जो देखना चाह रही हूँ वो देख नहीं रहा हूँ। थोड़ा सा है लेकिन मुझे यकीन है ये धूम छट जाएगी। अपना ख्याल रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया, बहुत कमजोर होगी। नहीं तो आगे देखिए, इतने गहरे हल्के पड़ गए हैं, ऐसे कैसे चलेगा? बीमार पड़ जाओ। तुम्हें कोई वहम हुआ है तो मैं अपना ख्याल पहले से ज्यादा रखती हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, तब तक तो कुछ भी नहीं जब तक मैं असवंत के कातिल का पता नहीं लगा लेती। गुल, कातिल का पता चल गया तो क्या क्या करूँगी? उसे उसी असीयत के साथ कत्ल करूंगी जिस असीयत के साथ उसने मेरे असवंत को कत्ल किया। ये ना हो सका तो आ जाए।
भाभी बात करनी है तुमसे। जी जी कही। सुहेल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे असबंद के कल के बारे में तुम्हें कुछ पता है? ये दिल तन्हा।